अनकन्फर्म रिपोर्ट्स है कि एक आध स्टूडेंट्स की डेथ भी हुई है। इंजर्ड स्टूडेंट्स को जिनकी ट्रीटमेंट हो रही है उनको आप उठा के पुलिस थाने लेकर जा रहे हैं, ये चल क्या रहा है? जामिया के छात्रों के ऊपर जिस तरह से आज पुलिस ने हमला किया है, मतलब मुझे बिल्कुल लग रहा है कि हम एक फैशिस्ट स्टेट एंटर कर रहे हैं धीरे धीरे। स्टूडेंट्स एक प्रोटेस्ट मार्च निकाल रहे हैं एक बहुत ही एक ड्रैकोनियन कानून के खिलाफ, जो एक देश की बहुत बड़ी आबादी को सेकंड क्लास सिटीजन्स बनाने की कोशिश की जा रही है उसके खिलाफ आज जो प्रोटेस्ट था, जिस तरह का और जो हमला जामिया के स्टूडेंट्स पर हुआ है पुलिस द्वारा, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का नेचुरल कल्मिनेशन है कि जिस तरह से एक अनडेमोक्रेटिक एक्ट पास किया गया है, एक फैशिस्ट स्टेट की तरफ जब पुश कर रहे हैं इंडिया को, डेमोक्रेसी ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो आज जामिया में हुआ ये कोई सरप्राइज़ नहीं है। ये मैं बिल्कुल सरप्राइज़ नहीं हूँ इस तरह का एक वाहियात जो हरकत दिल्ली पुलिस ने करी है। इसलिए आज हज़ारों की संख्या में लोग स्पॉन्टेनियसली निकले हैं, लास्ट मिनट कॉल दिया गया और इतने हज़ारों की संख्या में लोग आए हैं, तो इससे यही दिखता है कि आज इतना रोष इस सरकार की इस वाहियात हरकतों के ख़िलाफ़ है। मांग सबसे पहले तो ये है कि आप अपनी पुलिस को जामिया से निकालें। मेरे हिसाब से एक तो आई थिंक ये डिमांड होना चाहिए कि जो पुलिस ने जो वहाँ हमला किया है उस पर एक जुडिशियल इंक्वायरी हो। ये किस आधार पर किस कारण से आप निहत्ते स्टूडेंट्स के ऊपर ऐसे लाठियां बरसा रहे हैं? सुनने में आया है कि गोलियां चली हैं, सुनने में आया कि हॉस्टल्स के अंदर जा के स्टूडेंट्स को पीटा है। जामिया यूनिवर्सिटी के अंदर पुलिस एंटर कैसे करी है? जब तक प्रॉक्टर का, जब तक वार्डन का, जब तक वाइस चांसलर की परमिशन नहीं हो तो पुलिस किसी भी कैंपस को एंटर नहीं कर सकती है। तो आज यहाँ प्रॉक्टर ने जामिया के कह दिया है कि हमने परमिशन नहीं दी थी, आज वाइस चांसलर तक ने कह दिया कि हमने परमिशन नहीं दी थी। तो ये जो हुआ है ये एक इतना एक ये बिल्कुल एक ऑलमोस्ट एक फ्लैग, ये झंडा उठा दिया गया एक फैशिस्ट स्टेट का कि एक तो हम ऐसे कानून पास करेंगे जिसमें हम लोगों को दूसरे दर्जे के नागरिक बना रहे हैं और उसके खिलाफ आवाज़ उठाओगे, इस बेकदरी से स्टूडेंट्स को वहाँ से पीटा गया है। अनकन्फर्म रिपोर्ट्स है कि एक आध स्टूडेंट्स की डेथ भी हुई है। सबसे पहले तो जामिया को पुलिस छोड़े, दिल्ली पुलिस जामिया से निकले, वो कोई पुलिस बैरिकेड नहीं है, वो एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, वहाँ पर पुलिस क्या कर रही है इस संख्या में? सबसे पहले तो वो, दूसरा आई फील एक डिमांड ये होनी चाहिए कि एक जुडिशियल इंक्वायरी रखी जाए, एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी रखी जाए कि ये स्टूडेंट्स के ऊपर इतना बड़ा हमला कैसे हुआ। आज वीडियो एक फ्लोट अराउंड कर रही है कि पुलिस ने खुद एक बस में आग लगवाई है, साफ पता चल रहा है कि ये किया गया है ताकि स्टूडेंट्स पर अटैक किया जाए। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट भी किया है इसके बारे में। तो ये बहुत शेमफुल चीज़ है और दिल्ली पुलिस के जिसने भी ये ऑर्डर्स दिए हैं, ये जनरल डायर वाले ऑर्डर्स जो दिए हैं स्टूडेंट्स को पीटने के लिए, ये उन सारे पुलिस वालों को निष्कासित करने की ज़रूरत है। कुछ स्टूडेंट्स जो इंजर्ड थे, वो बेचारे स्टूडेंट्स इंजर्ड थे और वहाँ थे होली फैमिली हॉस्पिटल में, खबर ये आ रही है, अगेन ये अनकन्फर्म्ड है कि वहाँ से उनको पुलिस उठा के थाने ले गई है। इंजर्ड स्टूडेंट्स हैं 30 से ज़्यादा। अब वहाँ से आप इंजर्ड स्टूडेंट्स को जिनकी ट्रीटमेंट हो रही है उनको आप उठा के पुलिस थाने लेकर जा रहे हैं, ये चल क्या रहा है?